हेलो एवरीवन, आज हम लोग टीएफआर 2019 का एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीटेडली सीएसआर नेट, गेट, सीएमआई, टीएफआर, इन सब में रिपीटेडली आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ओके, सो इसमें आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है विद सर्टेन एक इक्वेशन दे रखी है जिसको ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से जो मेनली आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपका जो टी है वो इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, या फिर डायगनजेबल होगा या नहीं होगा, दो ही आपको पूछ रहा है। इसमें जो इसका जो ट्रिक होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, या फिर कई बार आपको मैट्रिक्स से भी रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको सबसे पहले वो इक्वेशन जो जिसको आपका मैट्रिक्स या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा होता है उससे आपको एनिलेटिंग पॉलिनोमियल लेना होता है। ठीक है, तो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल आप जो जिस इक्वेशन को ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा है उसमें आप लैम्डा या एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका एनिलेटिंग पॉलिनोमियल निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सपोज इसको मैंने पी एक्स नाम दे दिया है। ठीक है, ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है। उसके बाद में हमें पता है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल मैंने एम टी एक्स ले लिया है, ये डिवाइड करेगा आपको पी एक्स को। पी एक्स आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो सिंपली करने के लिए इसको एक फैक्टराइज कर लेते हैं एक बार हम पी एक्स को, तो इसका जो फैक्टर करेंगे तो ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि पी एक्स को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो आपका क्या क्या हो सकता है, एक्स माइनस वन हो सकता है, एक्स प्लस वन हो सकता है, एक्स माइनस वन का स्क्वेयर हो सकता है, या फिर एक्स माइनस वन का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वन हो सकता है। राइट, ओके। अब यहाँ से हमें ये भी पता है कि जो आपका आइगन वैल्यूज होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर होता है वो आपके मिनिमल पॉलिनोमियल में आता है, तो इस मिनिमल पॉलिनोमियल की जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ से हम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा आइगन वैल्यू ले रही हूँ इस टी की, तो हमारी आइगन वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, एक्स माइनस वन वाले फैक्टर से आपको वन मिलेगा और एक्स प्लस वन वाले फैक्टर से आपको माइनस वन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज है वो सिर्फ वन और माइनस वन है, चाहे मिनिमल पॉलिनोमियल आपका कोई भी हो। ठीक है, इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट है वो तो आपका डिटर्मिनेंट होता है, तो यहाँ से आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका या तो वन होगा या तो माइनस वन होगा। ठीक है, अब ये आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसलिए टी आपका इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ से जो चीज हमें पता चली कि टी आपका जो है वो इन्वर्टिबल होगा। नेक्स्ट हम डायगनजेबल पे आते हैं, तो डायगनजेबल के लिए एक रिजल्ट होता है आपका कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या जो मैट्रिक्स है वो डायगनजेबल होगी इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली लीनियर फैक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू ऑल आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ठीक है, अगर एक्स माइनस वन या एक्स प्लस वन अगर हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल होता है उस केस में तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डायगनजेबल हो जाएगी, बट इन केस अगर हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल जो है एक्स माइनस वन का स्क्वायर या फिर एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन अगर होता है उस केस में जो डायगनजेबल है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा टी है वो डायगनजेबल नहीं होगा। तो डायगनजेबल के लिए हमारा यहाँ पे मे और मेनोट भी है, मीन्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि होगा ही, क्योंकि हमारे पास कुछ केसेज ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें डायगनजेबल नहीं होगा। राइट, तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया कि टी हमारा इन्वर्टिबल है बट मे और मे नॉट भी डायगनजेबल। अब ऑप्शंस पे आते हैं, फर्स्ट कह रहा है कि टी इन्वर्टिबल भी है और डायगनजेबल भी है, बिल्कुल गलत। सेकेंड कह रहा है टी इज इन्वर्टिबल बट नॉट नेसेसरली डायगनजेबल, बिल्कुल ठीक है, हमारा जरूरी नहीं है कि डायगनजेबल होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑप्शन टू करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है टी इज डायगनजेबल बट नॉट नेसेसरली इन्वर्टिबल, बट हमारा टी तो इन्वर्टिबल आया है, ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अदर थ्री स्टेटमेंट्स, ये कह रहा है इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बट हमारा ऑप्शन बी ट्रू हो गया तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो एक सबसे सिली मिस्टेक इस क्वेश्चन में जो होती है, ऑलमोस्ट आप सीएसआर नेट का देख लीजिए, गेट या फिर टीएफआर सीएमआई किसी में भी देख लीजिए, मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई होती है जिसको या तो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है उसको आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं।
ठीक है, जो कि सबसे छोटी सी मिस्टेक बट एक ब्लंडर मिस्टेक है, इसको आपको नहीं करना है। ये आपका एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जिस इक्वेशन में आपको दी हुई है, जिसको आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, वो एनिहिलेटिंग इक्वेशन होती है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल वहां से निकाल सकते हैं। बट हम ये नहीं कह सकते अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। और क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आपको इस ये जो मिस्टेक है इसको अवॉइड करना है। और आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये यूजफुल लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।